सभी के पास ये समस्या आती है कि हम कौन सा स्क्रू ड्राइवर मार्केट से परचेज करें कि हमारे बजट के अनुसार हमें सबसे बेस्ट क्वालिटी में और हमारे यूजफुल योग्य या बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर हम हमारे बजट के अनुसार परचेज कर सके। तो गाइज आज हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं कि हमें कौन सा स्क्रू ड्राइवर परचेज करना चाहिए और सबसे बेस्ट क्वालिटी एवं हाई मोटर रेजिडेंसी के अनुसार हमें कौन सा स्क्रू ड्राइवर परचेज करना चाहिए। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिचर्ड कंपनी का स्क्रू ड्राइवर। यह 2-in-1 में आता है, साथ में इसका ड्रिल भी आती है और ड्राइव का भी काम करता है। और गाइज इसकी बात करें तो इसके 2 टूल कंपोनेंट किट आते हैं। और गाइज इसके जो RPM की बात करें तो 3700 RPM पे यह कार्य करता है। और पावरफुल की बात करें इसके पावर की तो 6.5 एम्पियर मोटर के साथ ही हैवी ड्यूटी के साथ ये आता है। इसमें वजन की बात करें तो ये बहुत लाइट वेट में आता है, आपको हाथ में जब आप इसे उठाते हो तो आपको महसूस नहीं होता है और कि आप कितने भी घंटे आप इसके साथ कार्य करिए आपके हाथ में महसूस नहीं होता है और कार्य करने में बहुत स्मूथली ये कार्य करता है। और इजी एंड क्विक चेंज इसके अंदर ऑप्शन आता है कि आप किसी प्रकार का कोई बिट वगैरह चेंज करना चाहते हो, क्विक स्पीडली यह कार्य करता है उसके अनुसार। इसमें बटन भी दिए हुए आते हैं लेफ्ट एंड राइट का, सिंगल साइड का भी आपको जैसे कोई लेफ्ट साइड से कार्य करता है या फिर से राइट साइड से कार्य करता है तो वो भी इसके अंदर आपको मिल जाता है रिचर्ड कंपनी में। और गाइज ये बैटरी के साथ आता है, इसकी बैटरी की बात करें तो गाइज बहुत अच्छी बैटरी बैकअप है इसका। इसकी जो बैटरी आपको दी जाती है वह इसके सभी प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं रिचर्ड कंपनी के, उसमें आप किसी भी प्रोडक्ट में इसका यूज कर सकते हो। जिस प्रकार जैसे ग्राइंडर हुआ या फिर आप कटर भी ले सकते हो, कटर में भी वो बैटरी यूज हो जाती है। तो गाइज रिचर्ड कंपनी का बहुत अच्छी मेरे को ये जो स्क्रू ड्राइवर बहुत अच्छा लगा है, मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मेरे को कोई इसमें कोई मिस्टेक नहीं लगी है। और हेवी ड्राइविंग मोटर इसमें आती है, हाई टेक्निक के अनुसार इसे बनाया गया है, आप भी इसे यूज़ कीजिए। और मैं बताता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन की इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और इसके साथ क्या क्या आपको गुड बेनिफिट वगैरह मिलेंगे और इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा, इसकी वारंटी वगैरह, इसके मार्केट में क्या रिव्यू चल रहे हैं, इसकी रेटिंग वगैरह उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए आप जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वरना आपके सबसे पहले आपको हमारी वीडियो अपलोड होने पर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आप अगर बेल आइकन दबाते हो तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। तो गाइज अब हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि इसमें एक रिवर्सेबल बेल क्लिप आती है जो पीछे की तरफ लगी होती है, इसमें आप रिवर्स भी कर सकते हो और पीछे की तरफ इसको कम या ज़्यादा भी एडजस्ट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है इस रिचर्ड कंपनी के स्क्रू ड्राइवर का। सेकंड इसके बात करते हैं लॉक ऑन बटन, तो इसमें बटन के साथ आपको लॉक का भी ऑप्शन मिलता है कि आप बटन को स्टार्ट करके उसको लॉक कर सकते हो। और गाइस इसका बेनिफिट है कि हम जैसे हमें किसी चीज़ को अगर लॉक करके ज़्यादा ताकत लगानी है तो आप उस बटन को लॉक कर सकते हो जिससे आसानी से पुश कर सकते हो उस स्क्रू वगैरह को। गाइस थर्ड हम इसको बात करते हैं, इसमें एक स्विच ट्रिगर का ऑप्शन आता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्विच का भी ऑप्शन आता है, आप इसे फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्विच में कन्वर्ट कर सकते हो। एक स्क्रू गार्ड इसके साथ आपको दिया जाता है जिसमें आप स्क्रू भर सकते हो। और गाइस सबसे पहले इसकी बात करें तो डीप और ड्राइव एडजस्टेबल हम पीस इसमें देखने को मिलता है जिसमें आप डीप से डीप स्क्रू आप इसमें लगा सकते हो। जैसे आपको कोई बोल्ट भी घसना है तो आप आसानी से इसके अंदर बोल्ट भी घस सकते हो, क्योंकि इतनी हाई रेजुलेशन मोटर इसमें फिट की जाती है कि आप स्क्रू के साथ आप ड्रिल के होल भी निकाल सकते हो दीवार वगैरह में
और जैसे बोल्ट कसना है, हम टेन वगैरह में बोल्ट कसते हैं, तो वो भी इसके साथ हेवी ड्यूटी से आसानी से आप कस सकते हो। और गाइस इसके एक और दो तीन और फीचर्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एडजस्टेबल नॉइस पीस आता है, एक बिट लोड बटन भी आपको देखने को मिलेगा, एक हेक्स की भी आपको देखने को मिलेगा। और मैं इसके आपको फीचर्स बता दूँ जो और स्क्रू ड्राइवर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें नॉइस पीस का पैड भी ऑप्शन आता है, एक फिलिपिस बिट और स्क्वायर बिट दोनों आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। और इसके जो बैटरी पावर की कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें आप एक बार में आप 3 से 4 घंटा आसानी से आप इससे कार्य कर सकते हो, वो भी लगातार हेवी ड्यूटी के साथ। और गाइस आपके पास अगर 2 बैटरी का सिस्टम है तो आप पूरे दिन आसानी से इससे कार्य कर सकते हो। अभी एक बैटरी को आप दूसरे, जैसे हमारे पास ग्रैंडर वगैरह रिचर्ड कंपनी का, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस लमसम इसकी बैटरी वगैरह की साइज सभी में एक साथ आती है। और गाइस जो बैटरी वगैरह बनाई गई इसकी वो बहुत हाई टेक्निक में बनाई गई कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, आपका कार्य ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो गाइज मैं कहूँगा कि आप इसकी रेटिंग की बात करें तो इसके आउट ऑफ 5 में से 4.9 की रेटिंग पे यह चल रहा है फिलहाल। तो गाइज आपको ये चूज़ करना है कि आपको रिचर्ड कंपनी का परचेज करना है कि नहीं करना। तो गाइज मेरे अनुसार आपको रिचर्ड कंपनी का स्क्रू ड्राइवर परचेज करना चाहिए। और गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।